इंडियन एयरफोर्स ने एक और कारनामा किया है। एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए भारत ने जमीन से हवा में वार करने वाली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ चार टारगेट को नष्ट करने की टेस्टिंग की है। आकाश ने हवा में उड़ने वाले चार अलग अलग दिशाओं से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चार मिसाइलों से उड़ा दिया। इस तरह का टेस्ट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या है पूरा मामला और इससे जुड़े क्या अपडेट्स आए हैं, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना ने आज एक और उपलब्धि हासिल की। एयरफोर्स ने अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अनोखा प्रदर्शन किया है। अनोखा इसलिए क्योंकि ऐसा टेस्ट पहले किसी भी देश में नहीं किया गया। इस मिसाइल ने एक साथ चार टारगेट को ढेर कर दिया। डिफेंस अधिकारियों ने बताया कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जिसने इस तरह का कोई टेस्ट किया हो। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल के डिफेंस एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत ने इंडिजीनियस आकाश मिसाइल सिस्टम का शक्ति प्रदर्शन किया था। ये सारे टारगेट्स मानव रहित थे। ये एक्सरसाइज 12 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन पर की गई। आपको बताते चलें कि आकाश वेपन सिस्टम को DRDO ने बनाया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। इसे खरीदने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हैं। DRDO भी इस सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहा है। आकाश एयर डिफेंस की क्षमता की बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मुख्य काम हवा से आने वाले किसी भी तरह के खतरे को हवा में ही खत्म कर देना है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से एक बड़े इलाके की रक्षा कर सकता है। BDL के मुताबिक आकाश वेपन सिस्टम ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकता है। ये पूरा सिस्टम एक चलती फिरती गाड़ी पर असेंबल किया जा सकता है, जैसे कि ट्रक, ट्रेन, जहाज। इसे रेल या सड़क मार्ग से तेजी से कहीं और भी ले जाया जा सकता है और जल्दी से जल्दी तैनात भी किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम 4 से 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और अनमैंड एरियल व्हीकल को मार गिरा सकता है। इसका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, यानी टारगेट को खोजने से लेकर उसे उड़ाने तक का काम खुद ही कर सकता है। आकाश वेपन सिस्टम को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के कई जगहों पर तैनात किया हुआ है और ये सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी लेकर आए थे। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम सोनल है, शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लप लप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लप लप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कॉमेंट्स में बताइए।